अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको बहुत सारे वजीफे दिखाते हैं, दुआ पढ़कर बताते हैं और आपके जो मसले हैं उनका हल निकाल कर बताते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वजीफा करना मतलब बुरी आत्माओं को बुलाना, जिन को बुलाना या गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सही तरीके से अगर वजीफा करते हैं, सच्चे मन से अगर आप वजीफा करते हैं, तो आपके काम जरूर पूरे होते हैं और आपको किसी भी तरह का कुछ भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वजीफे का इस्तेमाल कभी भी गलत इरादों से नहीं करना है। आप जो जिंदगी में पाना चाहते हैं, अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वालदेन हैं वो आपकी बात मानने लग जाए, आपकी जो माशुका हैं वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाए, तो आप वजीफों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसको हमेशा बहुत ही ज्यादा साफ मन से और अच्छे मन से करें तो आपका काम जरूर होता है। और ये बात सही है कि अगर आप पाक साफ होकर इसे करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं और वो आपको जरूर मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ही तरीका। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत है जो आपसे रूठ गई है उसे आप फिर से मनाना चाहते हैं, तो आप इस वजीफे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मोहब्बत के घर जाना होगा। घर के बाहर से आपको मिट्टी लेकर आनी होगी, थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपको घर के सामने से मिट्टी नहीं मिल रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जहां पर उनके घर से बाहर निकलकर जब आपको कच्ची सड़क मिले तो आप वहां से मिट्टी उठा सकते हैं। आपको बहुत सारी मिट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी होगी और उसके बाद आपको उसे कागज में रखकर अपने घर वापस आ जाना है। घर आने के बाद वजू कर लें, उसके बाद अच्छे कपड़े पहन लें, साफ कपड़े पहन लें और उसके बाद आप मिट्टी को अपने सामने रखकर बैठ जाएं। एक कागज लें, कागज के ऊपर लिखें 786 यानी 786 और अपनी माशुका का नाम लिखें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएं। अगर आपके बीच में किसी तरह की गलतफहमियां हो गई हैं और आप गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मिट्टी सामने रखेंगे तो एक कागज पर आपको लिखना है 786 और उसके बाद उनका नाम लिख दीजिए, उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए और मिट्टी आपको अपने हाथ में लेनी है, अपने दाहिने हथेली पर आपको मिट्टी रख लेनी है और उसके बाद आपको ये दुआ बोलनी है। ये दुआ बोलने के बाद आपको मिट्टी पर दम कर देना है और उसके बाद मिट्टी को उस कागज में रख दें जिस कागज में आपने 786 और उनका नाम लिखा था, उस पर रख दें और उसका एक छोटा सा उसको फोल्ड कर लें अच्छे से मोड़ कर, और उसके बाद आपको उसे लेकर जाना है अपने घर से बाहर, घर के बाहर लेकर जाना है और जहां पर उनका घर है, माशुका का आपके जहां पर घर है, वहां पर आपको इस मिट्टी को वापस वहीं पे डाल देना है जिस जगह से आपने इसे लिया था। इससे ये होता है कि जिन पर आप ये वजीफा कर रहे हैं वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे क्योंकि आपने उनका नाम लिखकर उस मिट्टी पर दम किया है। तो इस तरह से आप अपने प्यार को पा सकते हैं, अपनी मोहब्बत को अपनी तरफ बुला सकते हैं और आपको ये सिर्फ एक ही बार करना है। एक ही बार करने से आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी दुआ पढ़नी है। तो दुआ को आप कहीं पर लिख लीजिए अपने सामने ताकि आप इसे सही तरीके से पढ़ें। दुआ आपको 21 मर्तबा पढ़नी है। 21 मर्तबा पढ़ के उसके बाद आपको मिट्टी पे दम करना है। तो ये दुआ है, अल्लाहुमा सली अले मोहम्मद वा अले अली मोहम्मद कामा सलायता अले इब्राहिम इनाका हमदुम मजीद। इस दुआ को आपको पढ़ना है जैसे कि मैंने कहा 21 मर्तबा और उसके बाद आपको ये पूरी तरह से ये वजीफा कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे कॉल करके। अल्लाह हाफिज दोस्तों।